दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे कमली सॉन्ग को शूट किया जा रहा है। ये सॉन्ग काफी हिट भी हुआ था। आपको बता दें कि सॉन्ग को शूट करते हुए तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2013 की ब्लॉकबस्टर मूवी धूम 3 के बिहाइंड द सीन। 100 करोड़ के बजट में बनी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर करीब 556 करोड़ की कमाई करी। इस मूवी के बेहतरीन स्टंट और वीएफएक्स को 2023 में रिलीज होने वाली हाई बजट की मूवी भी पकड़ नहीं सकती। तो चलिए देखते हैं कि इस मूवी को कैसे बनाया गया, पर उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। ये वाला सीन उस टाइम का है जब आमिर खान अपनी पहली चोरी को अंजाम देते हैं। आपको बता दें कि इस वाले सीन को पहले से ही प्री विजुलाइज कर लिया गया था। आप आमिर खान को बैंक से वायर की हेल्प से नीचे आते हुए देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस वाले सीन के लिए आमिर खान के बॉडी डबल का यूज लिया गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मूवी के ज्यादातर सीन को स्टंट मैन के थ्रू ही शूट किया गया था। ये वाला सीन उस टाइम का है जब आमिर खान चोरी करने के बाद बाइक लेके भागते हैं। आपको बता दें कि इस वाले सीन को शिकागो में शूट किया गया था, जिसके लिए वहाँ की रोड को भी ब्लॉक किया गया था और वहाँ की अथॉरिटी से परमिशन भी लेनी पड़ी थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस टनल वाले सीन को शूट करने के लिए आमिर खान की बॉडी डबल का यूज लिया गया था, पर कुछ सीन में आमिर खान ही बाइक स्टंट करते हैं। आप स्क्रीन पर शूटिंग होते देख सकते हैं। इस वाले सीन में उदय चोपड़ा और अभिषेक बच्चन की एंट्री को देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस वाले सीन को मुंबई फिल्म सिटी में शूट किया गया था। इस सीक्वेंस में दिखाए जाने वाले हर एक सीन को फिल्म सिटी में ही शूट किया गया था। आप स्क्रीन पर शूटिंग और स्टंट करते हुए देख सकते हैं। इस वाले सीन में उदय चोपड़ा माउंटेन ड्यू के पोस्टर को फाड़कर स्टंट करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस वाले सीन को शूट करने के लिए बॉडी डबल के साथ बहुत सारे गद्दों का यूज लिया गया था। तो अगर आपने गदर मूवी के बिहाइंड द सीन की वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर उससे पहले बात करते हैं मूवी के क्लाइमेक्स की। आपको बता दें कि इस मूवी के ज्यादातर क्लाइमेक्स सीन को रियल में शूट किया गया था। ये वाला सीन उस टाइम का है जब आमिर खान अपने सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देते हैं। इस वाले सीक्वेंस में आपको ये वाला सीन तो याद ही होगा जब आमिर खान एक वायर की हेल्प से नीचे उतर जाते हैं। इस वाले सीन को शूट करने में एक बड़ी सी क्रेन का यूज लिया गया था, जिसके बाद बाइक चेसिंग वाला सीन दिखाया जाता है। आपको बता दें कि इस सीक्वेंस के ज्यादातर सीन को रियल में ही शूट किया गया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस ब्रिज वाले सीन को एडिटिंग से क्रिएट किया गया था। और आपको बता दें कि इस ब्रिज वाले सीन में आमिर खान के बॉडी डबल का यूज लिया गया था और ब्रिज को भी असल में गिराया गया था, जिस पर बाइक को चढ़ाना काफी मुश्किल था। आपको बता दें कि इस पूरे के पूरे सीन को पहले से ही प्री विजुलाइज कर लिया गया था। इस सीक्वेंस में दिखाए जाने वाले जेटसी वाले सीन को भी रियल जेटसी के साथ शूट किया गया था। इस वाले सीन को शूट करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इस पूरे के पूरे सीन को पानी के ऊपर शूट किया गया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस वाले सीक्वेंस में थोड़ा सीजीआई का भी यूज लिया गया था। इस वाले सीन में आप कमली सॉन्ग को शूट करते हुए देख सकते हैं। इस सॉन्ग के डांस स्टेप को करने में कैटरीना को काफी मेहनत भी करनी पड़ी थी। आप स्क्रीन पर शूटिंग होते देख सकते हैं। तो अगर आपने पठान या फिर करण अर्जुन मूवी के बिहाइंड द सीन की वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना।